जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय चैनल। इंडिया जो है 12 साल बाद अपने होम ग्राउंड पे सीरीज़ हार चुका है और बहुत ही खुशी की बात है। होम डोमिनस एंडेड, 4300 कुछ दिन बनते हैं और सीरीज़ नहीं हारे थे, और 1955 के बाद यानी ऑलमोस्ट 70 सालों के बाद एक सीरीज़ न्यूजीलैंड जीता है। 55 में पहले सीरीज जीते थे न्यूजीलैंड, उसके बाद कभी नहीं जीते, आप इमेजिन करें। और इंडिया को है बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी, पहले इनिंग से ही इंडिया मुश्किलात का शिकार था। न्यूजीलैंड ने पहले 259 बनाए, इंडिया 156 पे ऑल आउट हुआ, दूसरे इनिंग्स में भी उतना ही स्कोर बना दिया 255, और इंडिया फिर 245 पे ऑल आउट हो गया और तकरीबन जो है समझ लें 113 रन से जीता न्यूजीलैंड। तो कल का ओवरनाइट जो स्कोर था 192 पर आई थिंक 5 थे, तो टेल को जल्दी रैप अप किया। इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई लेकिन बैट्समैन ने साथ ही नहीं दिया। टॉम ब्लंडल आउट हुए, आपको मैं ओवरऑल स्कोर की बताता हूँ, 255 पे 10 विकटें, क्योंकि ये पुणे में टर्निंग ट्रैक था तो इस वजह से 250-200 स्कोर ही बहुत ज़्यादा स्कोर है। और आपको बताता चलूँ न्यूजीलैंड सेकेंड इनिंग्स 255 पे ऑल आउट हुए हैं, तो उसमें स्कोर कार्ड बता दूं, टॉम लेथम ने 86 बनाए थे, आउट हुए डेवन कॉनवे 17, विल यंग ने 23 रन बनाए, रचिन रविंद्रा 9, डेरल मिचेल 18, टॉम ब्लंडल 41, ग्रैन फिलिप्स ने 48 बड़े इंपॉर्टेंट रन बनाए और नॉट आउट रहे, इन्होंने 2 छक्के भी लगाए, और सेंटनर ने 4, साउथ 0, एजाज पटेल 1 और ओर्क 0। तो ये जो लास्ट 4 विकेट्स हैं वो बहुत जल्दी गिर गए, लेकिन फिर भी 300 कुछ का टारगेट था, 350 प्लस का। विकेट डिपार्टमेंट में वाशिंगटन सुंदर फिर शाइन किया, 4 आउट किए, रविंद्र जडेजा ने 3 आउट किया और एश्विन ने 2 आउट किए। जवाब में जो है इंडिया दोस्तों 245 पे ऑल आउट हुआ। हाईएस्ट स्कोर जो है रहा यशस्वी जायसवाल का, वे 65 बॉलों पे 77 रन बनाए, बड़ा फाइटिंग की उन्होंने, 3 छक्के और 9 चौके लगाए। रोहित शर्मा ने 8 रन बनाए, शुभमन गिल ने 23, विराट कोहली फिर चेज में फेल हुए 17, और ऋषभ पंत को भी रन आउट करवा दिया और 0 पे आउट हुए। वाशिंगटन सुंदर 21, सरफराज खान 9, रविंद्र जडेजा 42 एंड में खड़े रहे, अश्विन 18, आकाशदीप 1 और जसप्रीत बुमराह ने 10 रन बनाए। तो 6 आउट फिर सेंटर ने किए, दोनों इनिंग्स में फाइफर लिया, एजाज पटेल ने 2 आउट किए लास्ट विकेट के साथ, ग्लेन फिलिप्स ने 1। तो यूं इंडिया का जो है डोमिनेंस ख़त्म हुई, इख्तिताम को पहुँचे। और मिचेल सैंडर जाहिर बात है मैन ऑफ द मैच हैं, मैच ऑफ द आवर। स्टैट्स, मोस्ट होम डिफीट्स इन अ कैलेंडर ईयर फॉर इंडिया, 4 इन 1963, 3 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 3 इन 1983 और 3 इन 2024, 2 वर्सेस न्यूजीलैंड, 1 वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाफ भी ये मैच हार चुके हैं और ये होम डिफीट्स हैं। 4 डिफीट इन 15 होम टेस्ट फॉर रोहित शर्मा एज कैप्टन, सेम एज कपिल देव एंड मोहम्मद अजहरुद्दीन। मिचेल सैंडर 13 विकेट्स फॉर 157 रन्स, थर्ड बेस्ट मैच फिगर फॉर अ न्यूजीलैंड बॉलर, थर्ड बेस्ट मैच फिगर फॉर एनी टीम वर्सेज इंडिया, थर्ड बेस्ट मैच फिगर बाय विजिटिंग बॉलर इन इंडिया। विजिटिंग टीम्स विनिंग अ टेस्ट सीरीज इन इंडिया, इंग्लैंड 5 टाइम्स, लास्ट इन 2012-13, वेस्ट इंडीज 5 टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया 4 टाइम्स, पाकिस्तान एक ही दफ़ा जीता है सीरीज 1986-87, साउथ अफ्रीका 2000, न्यूजीलैंड 2024-25, विद द सीरीज डिफीट इंडिया रिकॉर्ड ऑफ 18 कंसेक्यूटिव बायलैटरल होम सीरीज हैव टू कम टू एन एंड। इनक्रेडिबल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ग्लेन फिलिप्स का ही इंटरव्यू है रोहित शर्मा जी, डिसअपॉइंटिंग, इट्स नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड, गॉट टू गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, दे प्लेड बेटर देन अस, वी फेल्ड टू कैपिटलाइज ऑन सर्टन मोमेंट्स, वी फेल्ड टू रिस्पॉन्ड दोज चैलेंजेस एंड वाज We sit here today, didn't think we batted well enough to get runs on the board. You have got to pick 20 wickets to win, yes, but batters have to put runs on the board. Was a great fight back to restrict them to 50 odd, but we knew it was going to challenging. When we started off, they were 200 for 3, and for us to come back and get them bowled out for 259, the great effort was not pitch, a lot of was happening. We just didn't bat well. Kehta pitch mein koi itna khas tha nahi, लेकिन हम अच्छा खेले ही नहीं। तो आज का दिन डबल खुशी का है, वहाँ से पाकिस्तान सीरीज जीता है, यहाँ से सीरीज इंडिया हार गया।
कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।